बाबा जी ने क्या ना कि ब्रह्मा खूब को कहो ना माने, एडे बड़े विद्वान का भी नहीं कह मानते। ते जे बंदा सोच उसारू रखे, हर नकारात्मक गल विच भी कुछ ना कुछ सकारात्मक लुकिया होया है। मैं इत्थे एक छोटी जी कहानी कह लो, स्वामी विवेकानंद जी दे जीवन की एक घटना है, उन्हां दे मुतलक एक विद्वान सज्जन ने लिखे है कि स्वामी विवेकानंद जी का एक मित्र सी ईसाई मसीह। उन्हें एक दिन निमंत्रण दिता जां उन्होंने सद्दा दिता भी तुसी मेरे घर आओ। लिखण वाला लिखदा स्वामी विवेकानंद गए, उन्हें जान बुझ के अंदर नूं वेखण लई जिथे बैठाना सी उसकी मेज उत्ते, उस मेज उत्ते कुछ धर्म ग्रंथ रखे, थले उन्हें गीता रखी, सब तो थले उत्ते उन्हें वक् वक् धर्मां दे ग्रंथ रखे। इस ढंग नाल उन्हें कर्म करके, इस कर्म नाल, इस तरतीब नाल टिकाया। स्वामी विवेकानंद आए, आके बैठ गए, उन्हां किताबां नूं ग्रंथां नूं देखिया ते उस मसीह ने क्या कहन लगे, स्वामी जी आप जी इन्हां किताबां नूं नीज ला के देख रहे हो, इन्हां दी तरतीब बारे तुहाडा की ख्याल है? उहदे मन च सी भी सब तो थले हिंदू ग्रंथ रखिया ते हो सकदा तैश चाह के कहन मेरा तत् ज्ञान ग्रंथ थले किवें रख दिता। देखो जी दी सोच पॉजिटिव होवे, सब तो थले रखी हुई वो किताब, रखे हुए ग्रंथ, उन्हां बारे पूछ रहा मसीह भी तुसी इस तरतीब बारे तुहाडे की ख्याल ने, तुहाडे की विचार ने। स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान नाल किताबां देखियां, सिर्फ आ चार अखर अंग्रेजी विच कहे, कहन लगे द फाउंडेशन इज रियली गुड। कहिंदे जिहड़ी इहदी नींह है ना वह बड़ी चंगी है, क्योंकि जिथे तू सब तो अखीरली किताब टिकाई है गीता, ये दी फाउंडेशन है, ये दी नीख है। ते सच्चाई ये वे कि जड़ी फाउंडेशन है जां नीख है वो सब तो पक्की होवेगी, ते उत्ते जितनी मर्जी उसारी हो जाए। उन्होंने इन्नी गल दे नाल ही नू चुप करा दिता, खामोश करा दिता कि जिदी नीह थले पई हुई किताब नू उन्होंने अदब दे दिता, कहन लगे सब दी नी एक है। इहदा मतलब उन्हें किस ढंग नाल सोचिया, उन्हें किस ढंग दे नाल उहदा उत्तर दे दिता। सिर्फ एक बेनती है भी आ जिहड़ा अज बचन आया, सरबस छोड़ महारस पीजे, सरबस छोड़ किवें छड़े जाण सारे, महारस पीजे ते महारस किवें पीता जाए, पहला छड़िया जाए कि पहला पीता जाए, असली जड़ी बेनती करनी। वो कहिंदे सरबस छोड़ महारस पीजे, पहला छड़िए कि पहला पीए। ते जो बाणी ने कहा कि भाई गुरसिखो असी किन्ने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईरखा निंदिया चुगली द्वैश बखीली इहदे तो किवें बचिए, बस थोड़ा जिहा चेंज कर लईए अपने आप नूं, इह कहना शुरू कर दईए नाम विच किवें जुड़िए, नाम विच किवें जुड़िए। जो नाम विच जुड़ांगे ना तो खैड़ा अपने आप ही छुड़ जाणा। जिहड़े सरबस छोड़ है इह तां छड्डे जाणगे जे महारस पीता जाएगा। बाबा जी दे बचन ने रा रा रस निरस कर जानिया, होए निरसो रस पहचानिया, ए रस छाड़े ओ रस आवा, दोनों जुड़े पए ने। ओ रस पिया ए रस नहीं पावा, जदो उस नाम रस नू पीता संसार दे रस तो बंदा उपर हो गया। कबीर साहब कहिंदे एवें बाहर दे भेख भूख च किधर पिया है, कहो कबीर बहु काहे करीजै, एवें क्यों अपने आप नूं दुख दई जा रहे हैं, किते नंगे पैरी दौड़ना पे, किते कपड़े पाई फिरना, किते कोई भेक बनाई बैठा है। सरबस छोड़ महारस पीजे,
बाकी सारियां गल्लां नूं छड़ के नाम दा रस पी लै, नाम भी जुड़ जा, सतगुरु कृपा करन असी इस नूं अपनी जिंदगी विच कमा सकीए, इनू अपना सकीए। आप सब दा धन्नवाद जी। अज शाम दे दीवान विच 8 to 9 तक गुरमुख प्यारियां क्या है, सवा के 9 भी हो सकते हैं, पर मैं यतन करांगा 8 बजे पहुँच जावा सच्ची मुची। वाहगुरु कृपा करे। ते कथा पांच कीती सी फगण दी, ते अज जिन जिन नाम ते आया तिन के काज शरे, सतगुरु कृपा करन 12 माह मुकम्मल हो सके। अज इस पदे दी विचार करांगे कि जिन जिन नाम ते आया तिन के काज शरे, हर गुर पूरा आराध्या दरगाह सच खरे। जिन्ना जिन्ना ने भी त्याया, किसे किसे धर्म विच भी त्याया, राम कह के त्याया, भावे रहीम कह के त्याया, भावे अल्लाह कह के त्याया, जिन्ना ने अखर कोई वरते पर शक्ति उस नूं पूजिया, उन्हां सारयां दे काज सर गए। आओ सी ए शाम दे दीवान विच आप जी कृपा करना, थोड़ा जा नाम जप लियो, उदू बाद समाप्ति। वाहे गुरु, वाहे गुरु।